श्री नैना देवी में चल रहे शारदीय नवरात्रों के दौरान पानीपत से आए एक श्रद्धालु की मंदिर में लगभग 1.25 लाख से ज्यादा राशि निकाली गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में यह सारी घटना कैद हो गई। जब उन्होंने पुलिस और प्रशासन को इसके बारे में बताया तो तुरंत सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो उसमें पता चला कि माता जी के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के पीछे एक अन्य व्यक्ति ने उनकी जेब से पैसे निकाल लिए हैं। हालांकि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उसे ढूंढने का प्रयास जारी है, लेकिन पानीपत से आए श्रद्धालु प्रमोद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि वह पिछले 9 दिनों से कोलावाला टोबा में माता जी के लंगर की सेवा कर रही हैं और आज माता के दर्शनों के लिए दरबार में आए थे। उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि माता के दरबार के अंदर ही एक घटना घटी है। हालांकि मंदिर के सुरक्षा कर्मी इंतजार में हैं कि यह जेब कतरा कब्जे में आएगा। मंदिर में सुरक्षा कर्मी और होमगार्ड के जवानों के द्वारा उसे ढूंढने का कार्य जारी है। लेडी साथ है, उसकी फैमिली है। हाँ, तो फैमिली है, जब ड्रामा किया उसने। ये निकल गया, ये देखो जेब में डालेगा, अभी जेब में डालेगा। ये देखो, ये इधर से देखो, जेब में से, ये देखो जेब में निकल डालेगा, जेब में डालेगा। ये डालिए जेब में, ये देखो डालिए, ये डालिए जेब में, ये निकल गया साइड। मैं पीछे थी, मुझे पीछे कर दिया था इसने। माता दी, हम यहाँ मत्था टेकने आए थे, 9 दिन से हमारा यहाँ लंगर चल रहा था नीचे कोला वाले टोबे से। आज माता से विदा लेने आए थे तो मेरे पति की जेब में 1.25 लाख रुपया था। तो कोई बंदे ने हम लाइन में थे तो लाइन में मेरे पति को उसने बोला अपनी फैमिली को आगे आ जाओ, तो मेरे पति ने कहा चलो आप आगे आ जाओ, तो उसने उसको आगे नहीं होने दिया, मेरे पति को आगे लगा के खुद आगे हो गया, पीछे अपनी फैमिली को लगाया और मुझे पीछे कर दिया। जैसे ही मंदिर में एंटर किया उसने हमारी जेब में से पैसे निकाल लिए, ये उसका प्लान था। कहाँ से है आप लोग? हम पानीपत से। पानीपत से तब एक लड़का, उसके बच्चा भी था, वो हमारे को क्रॉस करके ओवरटेक करके आगे आ गया। उसकी एक साथ लड़की लेडी भी थी, मैंने उनको बोला अपनी मिसी को आगे कर दो, उन्होंने किया नहीं। तो हम चलते रहे, हमें कोई मन में था, ऐसा नहीं था कि ऐसा होगा, भी हम बच्चे भक्ति होगा, माता का दर्शन करने आएगा। तो जब हम अंदर आए मत्था भी टेकया तो हमने बाहर चले आए मत्था टेक। जब मत्था टेक बाहर आए तो 2 मिनट में जब रुके, मैंने हाथ डाला तो जेब में 2000 के नोट थे, 55 नोट हो सकते, 54 नोट हो सकते हैं, 1 लाख प्लस ही था, 1,02,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। तो मैंने हाथ डाला तो नोट नहीं थे, तो मैंने इनको बोला पुलिस वालों को, उन्होंने उसी टाइम कैमरा ऑन किया, देखा तो वो माता के मंदिर के अंदर ही नोट निकालता हुआ नजर आ रहा है और ये मैं डालता हुआ, उसने माता के दर्शन नहीं किए, उसकी फोटो भी नजर आ रही थी, तो वो उससे निकलेगा। मैंने प्रशासन को बोला। कहाँ से आप? मैं पानीपत से आया। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार, हाँ जी, मैं करीब 11 बजे के करीब 1.25 लाख रुपया निकाल लिया गया जेब कतरे द्वारा, और हमारे मैंने अपने आप खुद जाके उसकी फोटो फुटेज ले ली और उसके बाद अपने सुरक्षा कर्मी सभी उसके पीछे लगा दिए, पॉइंट पॉइंट पर काफी, तो उसको ढूंढने का काम जारी है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।